कल से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। सदन से सड़क तक विपक्ष कर सकता है हंगामा। कानून व्यवस्था बेरोजगारी के मुद्दे पर कर सकता है हंगामा। शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे पर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विधानसभा में मानसून सत्र की कल से शुरुआत होगी। कल 10 तारीख है और 10 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत होने के साथ ही ये उम्मीद की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले दिन से ही जो विधानसभा की कार्रवाई है वो काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी ने पहले ही कमर कस ली है। बीजेपी का साफ कहना है, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो अपने लिए बाट जो रहे हैं नौकरी का, उनके मुद्दे को भी उठाया जाएगा सदन में। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सनी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सनी, कल विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत होगी, पहले दिन से ही सत्र की शुरुआत काफी हंगामेदार हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, पाँच दिनों का ये जो सत्र चलने वाला है ये काफ़ी हंगामेदार रह सकता है। इसमें शिक्षक आंदोलन जो कर रहे हैं वो विधानसभा घेराव कर सकते हैं। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के मुद्दे पर जो है राजभवन विधानसभा मार्च का जो प्लान कर रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 10,000 से अधिक लोग पटना में जुटेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे और सरकार के विरुद्ध यानी शिक्षक नियमावली के विरुद्ध वो अपने आंदोलन को शिक्षकों के आंदोलन से जोड़ने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि वो शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर। वहीं अगर बात की जाए तो विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी सदन के अंदर और सदन के बाहर हंगामा कर सकता है। मामला महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को लेकर है, जहां कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की है, जो आरोप लगता आया है कि तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा करती है, उसको लेकर भाजपा के विरोध के जवाब में जो सत्ता पक्ष है वो काउंटर कर सकती है इस मसले को लेकर। वहीं कई महत्वपूर्ण विधेयक भी आने हैं। देखना यह होगा कि छोटा सत्र है और इस सत्र की शुरुआत से पहले ही जो है सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि जब राज्य हित में सरकार काम ही नहीं कर रही है, युवाओं के हित में काम नहीं कर रही है, बेरोजगारों के हित में काम नहीं कर रही है, तो फिर ऐसे विधानसभा में और ऐसे बैठक में जाने का क्या फायदा? बिहार की जनता के लिए काम करना है तो कहीं ना कहीं ठीक है, सरकार को कहा जा सकता है कि विधानसभा के इस मानसून सत्र में मुद्दे तमाम है उठाने के लिए, लेकिन अब उन मुद्दों पर उन सवालों का जवाब सरकार कैसे देगी, कैसे खुद का बचाव करेगी, ये जब कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद ही मालूम चलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।